नमस्कार दोस्तों, इट इज़ वेरी इजी टू टारगेट एनी एग्ज़ाम जब हमें पता हो कि हम टारगेट किस चीज़ को करने वाले हैं या फिर अपना गोल क्या है। और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्लैट 2024 यूजी लेवल पे, हमें समझना पड़ेगा कि पैटर्न रिवाइज हुआ हल्का सा। 150 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन आ गए हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क ईच है, गलत नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 कट हो जाएंगे अगर आपने गलत किया। 5 सेक्शंस हैं दोस्तों क्लैट एग्ज़ाम 2024 में, जिसमें इंग्लिश, जीके जीके बोथ स्टैटिक एंड करंट, लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो या मैथ्स कह लो या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ मैथ्स ही है 10th लेवल तक। तो आपका उस लेवल तक प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि क्लैट 2024 में आप अच्छे टॉप 10 NLUs कह लूँ या अच्छे कॉलेजेस में लॉ कर पाएँ। एक अच्छी यूनिवर्सिटी दोस्तों चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं खुद बता रहा हूँ। फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 ईयर लॉ में, 5 ईयर नहीं। अभी आप 5 ईयर टारगेट कर रहे हैं, क्या 5 ईयर या 3 ईयर, आपको 5 ईयर बेटर है कि 3 ईयर बेटर है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप बाय बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन स्पेसिफिकली अभी बात करूँ तो हम टारगेट क्या करने वाले हैं दोस्तों। सिलेबस, पहली चीज़ तो जो कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें उसका सिलेबस सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि उस एग्ज़ाम में आने क्या वाला है तो हम टारगेट किस चीज़ को कर रहे हैं। मतलब मछली की आँख हमें दिखनी चाहिए, तभी हम जाके वहाँ पर तीर मार सकेंगे, नहीं तो ऑल द एफर्ट्स विल बी इन वेन, उसी का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। हार्ड वर्क ज़रूर करना, लेकिन विद इन अ राइट डायरेक्शन, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझें। सिलेबस समझने के बाद जब आपको अच्छी तरह सिलेबस पता लग चुका है, तो एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप क्रैक कर सकें ऐसे कोई भी एग्ज़ाम को। इसके लिए भी वीडियो रेडी है आपके लिए, पहले से बनी हुई है, कि आप 2 मंथ्स में कैसे, छोटे से टाइम ड्यूरेशन में कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो मैं ज़रा पॉइंट पे अपने वापस आता हूँ कि 2 घंटे का ये एग्ज़ाम है, 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक जर्नल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, 120 में से, मतलब जर्नल कैटेगरी के जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला दोस्तों, वो लाइक 90 से ऊपर रहेगा। अगर 120 में से आपने 90 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, 90 मार्क्स से ज़्यादा आप ले सकते हैं या फिर ले लिए हैं, तो आपके टॉप 10 NLUs में से किसी में भी एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो एक टोटल सेफ स्कोर है दोस्तों। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 एक सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। 120 मार्क्स में से 80 जो मार्क्स हैं, अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो वो एक बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। ST कैटेगरी में मैं इसे 75 के आसपास रखना चाहूँगा, लेकिन ऑफकोर्स टारगेट हम हाई करेंगे तभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे। टारगेट तो सबका ही, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, टारगेट हमेशा सबका ही हाई होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो ऑफ कोर्स मैं 120 में से 110, प्रैक्टिकली 110 तो ऑफ कोर्स टारगेट करता ही, या फिर 100 तो टारगेट करता ही, तब जाके 90 तक मैं पहुंच पाता। तो एक ये सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों रहने वाली है, जो हमेशा रहती भी है। अब पहले क्योंकि 150 में से थी, अब इस बारी 120 में से है, तो लेकिन वो परसेंटेज जो डिक्रीज़ है या जो परसेंटेज काउंट है, वो उतनी ही रहेगी, उसी के आसपास रहेगी। बहुत ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन आप बहुत पहले से अगर पिछले साल से ड्रॉप करके बैठे हैं या पिछले साल से प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपका स्कोर ऑफकोर्स आना ही चाहिए और होना ही चाहिए। और कोई डाउट दोस्तों आपका हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। इट्स KUNWR_0808। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट 2024, और मे द डिजर्विंग वन विन्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपका टॉप NLU में एडमिशन हो जाए। और लॉ तो ऑफकोर्स क्या ही बात है, लॉ की डिग्री तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। और मैं खुद एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ DU LLB का, बहुत ज़बरदस्त है, लॉ करो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और एक अच्छा लॉयर अपनी कंट्री के लिए बनो, अच्छे लॉयर्स बनो, अच्छे जजेस बनो, अच्छी जजमेंट दो, यही एक मेरी विश है और यही एक उम्मीद है। इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। गैरी अमृत, चलिए नमस्कार।